दोस्तों, क्या आप भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर मौजूद हैं। ये चैनल आपको बेसिकली बताएगा कि कौन कौन सी सरकारी नौकरियां इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ हम आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाएँ और अपडेट्स पाएँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर आपकी खिदमत में सरकारी नौकरी चैनल के तवसत से हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ज़रिए हम आप तक मुख्तलिफ किस्म की गवर्नमेंट जॉब्स लेकर आते रहते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज हम जो जॉब्स लेकर आए हैं वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर के हवाले से है। हाल ही में शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर का कराची में इफ्तिताह किया गया, जो कि एक बेहतरीन इदारा बनकर सामने आया। दोस्तों, इसमें जॉब्स आई हैं जो कि हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और अपडेट्स लेते जाएं। दोस्तों, बहुत बेहतरीन जॉब्स आई हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर में, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो क्लिप में बताऊँगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो क्लिप एंड तक देखनी है और इससे मुस्तफीद होना है। दोस्तों, पहली जॉब है सीनियर मैनेजर फाइनेंस की। सीनियर मैनेजर फाइनेंस की जॉब अनाउंस हुई है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर में। ये एक बेहतरीन जॉब है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो आपको बताता चलूँ मैं। उसके लिए अगर किसी दोस्त ने MBA किया है या CA किया है या ACCA किया है या ICMA किया है, अगर किसी दोस्त ने इन चारों में से कोई एक क्वालिफिकेशन हासिल कर रखी है तो वो इस जॉब के लिए मौजूद है, वो अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस जो दरकार है वो 10 साल का है। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट इस जॉब के लिए 10 साल की अकाउंट्स की फील्ड में सीनियर पोस्ट पर एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजमेंट का, अकाउंट्स मैनेजमेंट का। स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए जो है वो आपको रिपोर्ट राइटिंग आनी चाहिए, आपको फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन करने आने चाहिए, आपको बजटिंग आनी चाहिए, आपको कॉस्टिंग आनी चाहिए, आपको ऑडिटिंग के हवाले से नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, आपको रिपोर्ट राइटिंग जो है वो इस जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको आनी चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो एज लिमिट 50 ईयर्स है। दोस्तों, सीनियर मैनेजर फाइनेंस की जॉब के लिए जो एज लिमिट है वो 50 ईयर्स है, यानी कि 50 साल तक के हजरात इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जॉब रिसर्च ऑफिसर की है। ये भी एक बेहतरीन जॉब है जो कि अनाउंस हुई है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर में। इसमें जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो है मास्टर्स इन एपिडेमोलॉजी। किसी दोस्त ने अगर मास्टर्स किया हुआ है एपिडेमोलॉजी में तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस होना चाहिए राइटिंग इन इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल्स। अगर किसी दोस्त ने इंटरनेशनल आर्टिकल्स लिखे हैं, इंटरनेशनल रिसर्च मैगजीन्स में लिख चुका है, तो इसके लिए बेहतरीन मौका है। तीसरी जॉब जो है वो स्पेशलिस्ट एंथेसिस्ट की जॉब है। जी दोस्तों, स्पेशलिस्ट एंथेसिस्ट की जॉब भी बेहतरीन जॉब है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो MCPS चाहिए, और MCPS के साथ साथ पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल के साथ रजिस्टर्ड, PMDC के साथ दोस्तों रजिस्टर होना चाहिए, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के साथ। उसके साथ ऑर्थोपेडिक फेलो सर्जन की जॉब आई है। इसके लिए आपको FCPS होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के साथ। PMDC का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, FCPS भी ज़रूरी है इस जॉब के लिए। उसके बाद डॉक्टर ऑर्थोपेडिक की जॉब है। डॉक्टर ऑर्थोपेडिक एक बेहतरीन जॉब है दोस्तों, इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो MBBS चाहिए, MBBS के साथ साथ FCPS और PMDC से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। जिस दोस्त के पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, एज लिमिट सीनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए 50 ईयर्स थी, डॉक्टर ऑर्थोपेडिक के लिए 35 ईयर्स की है, और बाकी तीनों जॉब्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। किस तरह अप्लाई करना है इस जॉब के लिए आपने सुन लें, www.chk.gov.pk/jobs। इस वेबसाइट को आप ओपन करें, यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करें, उसको फिलआउट करें, डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और यहीं इसी पर अपलोड आप कर दें। आप इस आपके स्क्रीन पर भी वेबसाइट का एड्रेस शो हो रहा है दोस्तों, लॉगिन करें और अप्लाई करें। बहुत बेहतरीन मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं दोस्तों। अप्लाई करें और दूसरों को भी बताएं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई करें, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो दोस्तों
ये जॉब किसी और के लिए बेहतरीन हो सकती है। आप उन तक ये बात पहुंचाएं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें वीडियो। और दोस्तों लास्ट डेट जो है 29 नवंबर तक अप्लाई किया जा सकता है इस जॉब के लिए। 29 नवंबर तक एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट की जाएंगी। दोस्तों हमारा चैनल सरकारी नौकरी सब्सक्राइब करें, आपके लिए बेशुमार वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, आगे भी लाएंगे, जो जॉब्स आती जाएंगी आपको हेल्प आउट करेंगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएँ। बहुत ज़बरदस्त कॉल है, हम सबकी हेल्प करना चाहते हैं, आप हमारी हेल्प करें, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और इस जॉब को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और बाकी दोस्तों को भी बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड टेक केयर। सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।